Amrita and I welcome you back to Cricket Diaries by Cricket Heroes. आज हमारे साथ ज्वाइन करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन प्लेयर जो ऑलरेडी 600 प्लस विकेट्स ले चुके हैं अपने छोटे से करियर में. लेट्स हियर अबाउट हिज जर्नी सो फार. प्लीज वेलकम सोनू मार्कांडे फ्रॉम डुमका. हाय सोनू, आप कैसे हो? अच्छे मैम, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ. आप पहले मुझे डुमका के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि मैंने डुमका के बारे में कभी सुना नहीं है. मुझे पता चला झारखंड में है, थोड़ा डुमका के बारे में बताइए हमें. डुमका मैम ज्यादा बड़ा शहर नहीं है, लेकिन उससे भी जो है छोटे गांव से हम लोग बिलोंग करते हैं. डुमका तो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट है और जो ब्लॉक है जरमुंडी, हम लोग प्रॉपर घर जरमुंडी हुआ मैम. और जरमुंडी में जो जगह है ये बहुत ही ग्रामीण इलाका है, रूरल है, और यहाँ फैसिलिटीज की कोई सुविधा ही नहीं, कोई फैसिलिटीज ही नहीं है क्रिकेट की. आप सिर्फ टेनिस से खेल सकते हो, यहाँ जूस के लिए तो है ही, जूस के लिए आपको करीबन यहाँ से 45 या फिर 25 किलोमीटर जाना होगा. बट फैसिलिटीज नहीं होने से भी आपके श्योर पैशन क्रिकेट खेलने के लिए आपने, आपके जर्नी के बारे में बताइए. ये क्रिकेट का जर्नी कब से स्टार्ट हुआ, कब आप ये आपके लिए बहुत ही पैशनेट बनते गए? क्रिकेट मैम बचपन से ही बहुत शौक था, बहुत ज्यादा जो था उसने क्रिकेट के प्रति जो था पैशन था. कि हम लोग के यहाँ पे जो अदर और गेम है ही नहीं, सिर्फ क्रिकेट ही है जो हम लोगों को उससे जो है थोड़ा सा आगे बढ़ने का हम लोग सोचते थे कि नहीं क्रिकेट से ही आगे बढ़ सकते हैं. तो बचपन से ही क्रिकेट का बहुत शौक था. और हुआ क्या कि जब सारे बच्चे स्कूल पहुंचे तो स्कूल में फ्रेंड्स लोग के साथ और ज्यादा खेलने का मौका मिलने लगा, तो धीरे 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 जो है और बहुत ज्यादा क्रिकेट से प्यार हो गया. इतना कि अब स्कूल जिस दिन छुट्टी हुआ मैम उस दिन तो पूरा दिन ग्राउंड, ना आपको घर में मिलेंगे, आपको ग्राउंड पे ही मिलना है. और गर्मी की छुट्टी में तो मत पूछिए, पेरेंट्स परेशान हो जाते थे कि अब कैसे इनको घर लाया जाए. पूरा दिन क्रिकेट, पूरा दिन क्रिकेट, मतलब आप सुबह 5 बजे से जब तक शाम नहीं हो तब तक क्रिकेट ही क्रिकेट. और क्रिकेट धीरे धीरे जब बड़े होने लगे तो और ज्यादा जो है क्रिकेट के प्रति और ज्यादा पैशन जो है बढ़ने लगा. और धीरे धीरे जब एज वही करीबन 10 साल की उम्र में ही एक बॉलिंग स्ट्रेंथ जो है, बॉलिंग पे मैंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया था, तो धीरे धीरे बॉलिंग अपना इंक्रीज किया, काफी तेजी लाए बॉल पे. तो जब प्रैक्टिस करता था तो सीनियर जो थे वो भी देखे कि अच्छा बॉलिंग कर रहा है, तो मुझे चांस दिया सीनियर टीम पे. और धीरे धीरे अच्छा करने लगा तो आगे बढ़ते गया और टीम का आज ओपनर बॉलर है. और बहुत अच्छी अच्छी बहुत सारी स्टोरीज है जो शेयर करेगा तो पूरा दिन निकल जाएगा. बट ये जो आपने बोला कि ये पूरे दिन क्रिकेट खेलते थे, वीकेंड में एकदम सब क्रिकेट करते, पूरे दिन खेलते, तो डांट कितना पड़ता था घर से, घर पापा से? डांट में मार पड़ी, डांट तो पड़ती थी, लेकिन मैनेज कर लेते थे मैम, कि पता था उन लोगों को कि इन लोगों को मिलता नहीं है खेलने का समय और वीकेंड पे, तो समझा देते थे. और बहुत और क्रिकेट का भी जो था सर मैम सपोर्ट था फैमिली से, बट वो लोग भी कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि बाहर मुश्किल था जाना, तो यहाँ जितना खेल सकते थे. उसके बाद जो है अपने बॉलिंग स्ट्रेंथ से ही आगे जाके अच्छा कर रहा हूँ. तो ये आपका ये पूरे जर्नी में जब आपने रियलाइज किया कि आपको बॉलिंग करनी है, तो ऐसा कोई बॉलर रहे जिनके लिए जो आपके लिए बहुत ही इंस्पिरेशन रहे और उनको ही आप देखते के सीखे? मैम मेरा बिल्कुल लगे इंप्रेशन तो MS धोनी है, और कोई प्लेयर ही नहीं है मैम. इसलिए है कि एक छोटे शहर से और एक मिडिल क्लास फैमिली से होके मैम जो इतना आगे गया, और आज आज उसका कोई शब्द ही नहीं है
उसके बारे में बोले, और खासकर हम लोग धोनी धोनी जो है उनकी सबसे अच्छी बात ये लगा कि मैम कि एक सरकारी जॉब होना बहुत बड़ा बात होता है मैम, हम लोगों के लिए भी। आज हम लोग भी अगर गवर्नमेंट जॉब करेंगे तो छोड़ेंगे ही नहीं ही छोड़ेंगे, लेकिन बिना डर के उसने जो है क्रिकेट के लिए छोड़ के, और अगर मान लीजिए कुछ नहीं होता तो क्या होता उसका, इसलिए वो और हम लोगों के लिए इतना आइडियल बन गए कि वो बिना किसी डर के छोड़े और आज यहाँ है मैम। तो MS धोनी जो है, और हम लोग के भी स्टेट से हैं, झारखंड से, तो और ज्यादा उनके प्रति प्यार है मैम, और बहुत बड़े फैन है, और हम हाँ लोगों से बड़ा धोनी का फैन है ही नहीं हम लोग यहाँ पे हैं। आई होप आप वो सुन पा रहे, आपके आपके ये इंटरव्यू सुन पाए और वो भी सोचे कि आप कितने आप जैसे स्ट्रगल किए हो इतने डिफिकल्ट जगह पे जहाँ पे शायद फैसिलिटीज नहीं थे एकदम, वहां से कोई आप इतना इंस्पायर्ड हुए हैं धोनी के स्टोरी से। आई मीन दैट्स रियली नाइस। और ये आपके पूरे करियर के जो क्रिक हीरोज में कैप्चर हुए, मैंने देखा एक आपने ऑलरेडी 600+ विकेट्स ले चुके हो, उसके बाद आपका एक बेस्ट परफॉर्मेंस था 6/25, तो ये आपके लिए यस सबसे यादगार मोमेंट रहा या कुछ और भी ऐसा कोई मोमेंट है जो आपको आप शेयर करना चाहोगे जो बहुत ही हमेशा याद रहता है? बहुत अच्छा मैम, बहुत सारे स्टोरीज हैं, लेकिन रिसेंटली कुछ दिन पहले हमारी टीम जो है एक टूर्नामेंट खेल रही थी, तो हमारी पूरी टीम 16 ओवर में 73 रन पे ऑल आउट हो गई। तो जो हमारे जो कैप्टन थे वो, उसके बाद जब हम लोग फील्ड पे गए डिपेंड करने के लिए, तो हुआ क्या मैम कि जो फर्स्ट में जो बॉलर थे उसने काफी ज्यादा रन खर्च कर दिए, तो 11 ओवर में मैम 66 रन कंप्लीट हो गए, 67 रन 11 ओवर में। 5 ओवर में उनको 6 रन चाहिए था, उसके बाद मुझे बॉलिंग लगाया गया मैम। तो मैंने फर्स्ट ओवर में 2 विकेट 1 रन दिया था, और पहले उन लोगों का 4 विकेट गिर चुका था, 6 विकेट बाकी था मैम। तो हम लोग जो है वो 6 रन पे उन लोगों को करीबन 9 विकेट गिरा दिया था मैम। मैंने उसमें 4 लिए थे, और एक और था बॉलर, वो मैम बहुत मतलब 6 रन पे जीत, सब कोई हार चुके थे हम लोग कि इस मैच को तो हम लोग ऐसे ही हार गए, चलो खेलते हैं, लेकिन हम लोगों ने उसको जो है उस अगली टीम को भी सोचने को मजबूर कर दिया कि आज जो है कोई बहुत अच्छी टीम से हम लोग मैच खेल रहे हैं। सो हार गए मैम, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब रहा हमारी ये मेमोरी पे रहा कि इतना अच्छा मैच इतना नजदीक लेके गए, 6 रन पे, और 5 ओवर था मैम, लास्ट ओवर में हम लोग जाके आ गए। हाँ और भी बहुत सारा स्टोरीज हैं जैसे कि हम लोग जीते हैं और हारे हैं, बहुत सारे स्टोरीज हैं मैम, मतलब जो है उसको याद करें तो मेरा पूरा सीन निकल जाएगा, इतने स्टोरीज और मैच हम लोग आज आज फाइनल है मैम, आज एक जगह एक टूर्नामेंट है, वहाँ फाइनल है हमारी टीम का, आज और है। काफी सारे टूर्नामेंट है मैम। हाँ आज है मैम 10:30 बजे से, अरे वाह, ऑल द बेस्ट। यहाँ से करीबन यहाँ से मैम यहाँ से भी 40 किलोमीटर जाना पड़ता है खेलने के लिए, क्या करें, सो जहाँ फैसिलिटीज है वहीं जाते हैं खेलने। ओके 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 वाह। और ये जो अभी जैसे आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा मैच है, और जैसे आप बोल रहे हो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करके आपको थोड़ा, मैंने फैसिलिटीज भी उतना नहीं है कि इतना ट्रैवल करके आपको शायद प्रैक्टिस सेशंस भी वहां पे जाके करना पड़े, तो आप ऐसे इम्पोर्टेंट मैचेस से पहले कैसे प्रिपेयर करते हो? आपको ऐसा कुछ होता है जो आप खुद प्रिपेयर करने में आपको मैंने आपका थॉट प्रोसेस क्या होता है, क्या क्या करते हो ऐसे इम्पोर्टेंट मैचेस से पहले? इम्पोर्टेंट मैच से पहले मैम पिछले मैच का जो भी गलती है उसको सुधारने का कोशिश करता है, और उसके बाद जो है सर मैम जैसे आज मैच है तो कल ही सारा प्रिपरेशन हम लोग करके रेडी रखते हैं कि पूरा जो, हाँ जैसे मैं एक बॉलर हूँ तो मैं अपना पूरा प्लानिंग के साथ जाता हूँ कि कैसे जो है मुझे टीम को एक शुरुआती में विकेट दिलाना है, और कैसे जो है डेथ बॉलर में डेथ बॉलिंग करना है, तो ये सारा जो है पूरा प्लान करके प्रिपेयर करके, और जब मैदान पे उतरते हैं मैम तो फुल कॉम्पोजिट टीम के साथ उतरते हैं, और
पूरे जोश के साथ, दैट यही है बिल्कुल। दैट्स रियली नाइस। और ये ऐसे सब प्लेयर्स के लिए एक सुपरस्टिशन होता है, एक लकी चार्म होता है, कुछ ऐसे कुछ एक चीज पहले कर लेते हैं, तो आपके लिए ऐसा कुछ है पर्सनल लकी चार्म और सुपरस्टिशन? अगर एक सुबह जैसे ही जब उठते हैं तो सबसे पहले जो है माँ का चेहरा सामने आए जो बहुत अच्छा दिख जाए, बस यही सुपरस्टिशन है मैम। और जो लकी चार्म होता है ये तो ऊपर से ही भगवान अगर दिया हो तो ठीक है, लेकिन सुपरस्टिशन मैम सबसे पहला होता है कि मैम सुबह उठे अपने माँ का चेहरा देख लीजिए मैम, पूरा दिन आप कर लो, वही जो एब्सोल्युटली मेरे लिए सुपरस्टिशन में। ये तो मैं अग्री करती हूँ। आई मीन माने फॉर विमेन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, मॉम माइट नॉट बी अराउंड, बट देन ये तो बहुत ही लाइक यू नो गुड पॉइंट है। पर एक और ये आईपीएल देख रहे हो आप, फॉलो कर रहे हो इस आईपीएल, यस मैम यस मैम। और इसमें इसमें कौन से प्लेयर है जिनको आप फॉलो कर रहे हो एमएस धोनी के अलावा? वो तो आई एम श्योर कर रहे होंगे। मैम आपको अगर आप ऐसे पूछते हैं तो कौन सी टीम है और कौन सा प्लेयर है, तो एम एस धोनी, और कोई उनका जो टीम है सीएसके, अगर वो प्लेऑफ में पहुंचे नहीं पहुंचे, 10 रन बनाए, फुल सपोर्ट है एम एस धोनी में ना, कि मतलब उनको वो जो है जब तक खेलेंगे शायद खेले मैच, तब तक मैच देखे मैम, उसके बाद तो क्रिकेट जो है धीरे धीरे नाता, इसलिए छोड़ दे कि धोनी छोड़ क्रिकेट, इंटरनेशनल गेम में ना के देखता हूँ क्या कि धोनी खेलता नहीं है, और अभी आईपीएल में तो उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा, लेकिन अगला साल फिर आएगा मैम और फिर धोनी मारेगा, यही सोच के साथ हम लोग देखते हैं। और अगर धोनी के अलावा कोई अगर प्लेयर है जिसको फॉलो करते हैं तो मैम रबाडा है, क्योंकि एक बॉलर है तो उनका जो बॉलिंग देख के बहुत अच्छा लगता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कैसे बॉलिंग बाउंसर है, कैसे आउटस्विंग है, वो सारा चीज मैम अच्छा लगता है उनका। दैट्स रियली नाइस, बहुत बहुत अच्छा लगा सोनू आपसे बात करके, और आई होप कि आप आज माँ के आशीर्वाद लेके बहुत अच्छे से बोलिंग करो, और ये आज के मैच जो आपके बहुत इम्पोर्टेंट फाइनल मैच है जो उसपे आप बहुत अच्छा परफॉर्म करो और पूरी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करे, और बहुत बहुत सारा गुड थैंक यू। हमारे तरफ से, इतने डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस से भी आप लोग इतने एंजॉय करो क्रिकेट को, इतना लाइक यू नो आप लोग माने उस डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस से आप वो नहीं कर रहे हो, माने यू नॉट गेटिंग बर्डन विद इट, तो इसलिए आई मीन यू बीन एन इंस्पिरेशन, आप धोनी के लिए, धोनी आपके लिए इंस्पिरेशन रहे होंगे, आप तो हमारे लिए इंस्पिरेशन हो, अभी भी इतने वो करके आप क्रिकेट खेल रहे हो, सो इट्स वंडरफुल, थैंक यू सो मच सोनू हमसे बात करने के लिए आज। थैंक यू मैम, थैंक यू। और मैं कहना चाहता हूँ मैम कि जो क्रिक हीरोज है वो पहले तो, लेकिन जब से आया है तो अपना एक प्रोफाइल दिखाने को बनता है कि नहीं, मेरा जो विकेट्स हैं, मेरे मैचेस हैं, मेरा परफॉर्मेंस है, मेरा अवार्ड है, तो मैम ये सब देखने में थोड़ा सा दिखाने में भी अच्छा लगता है। और अगर ये और प्लेयर आता मैम तो 2,000 से ज्यादा विकेट होते हैं मेरे, तो वो सारा जो है रोज को बहुत 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 ज्यादा थैंक्स, क्योंकि जो है एक प्रोफाइल जो है बना के एक खिलाड़ी को जो एक ग्राउंड लेवल का है, जो एक छोटे शहर से हो या कहीं से भी हो, उनका एक प्रोफाइल बनता है क्रिक हीरोज में, और बहुत अच्छा ऐप था मैम ये, और आगे जाएगा और डेवलप कीजिए मैम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर वेरी मच, आपको भी और क्रिक हीरोज को भी। थैंक यू सोनू, मैं तो डेफिनेटली अपनी टीम को ये आपका कॉम्प्लीमेंट्स पास ऑन करूंगी, और हमें बहुत खुशी हो रही है जान के कि आपके लिए क्रिक हीरोज हेल्पफुल हो रहा है, आपके क्रिकेट खेलने में आपको आसानी हो रही है। थैंक यू सो मच आज ज्वाइन करने के लिए, ऑल द बेस्ट फॉर द मैच टुडे एंड ऑल्सो फॉर लाइफ, यू टेक केयर देन। थैंक यू मैम।
ऑल राइट, थैंक यू एवरीबडी एल्स फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. हम कल वापस आएंगे और एक प्लेयर फ्रॉम द ग्रास रूट क्रिकेट के साथ. टिल देन यू टेक केयर, बाय बाय.